पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय शहीद संजय शर्मा जी अमर है शहीद संजय शर्मा जी अमर है पाकिस्तान हाय हाय 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 शहीद संजय शर्मा जी पाकिस्तान पाकिस्तान भारत माता की पाकिस्तान 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 शहीद संजय शर्मा जी शहीद संजय शर्मा जी होश में आओ होश में आओ पाकिस्तान होश में आओ पाकिस्तान पाकिस्तान भारत माता की जय भारत माता की जय जी संजय शर्मा जी जो 40 साल की आयु में किस तरह से उनकी एक दर्दनाक जो है पीड़ादायक एक निर्मम हत्या की गई एक बेहद ही निंदनीय है। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की इस तरह की घटनाएं जो कर रहा है वो सोचता है कि इससे जो है भारतीयों का मनोबल गिरेगा, तो वो बिल्कुल गलत है। आज जिस तरह से डेवलपमेंट जो है आज भारत में हो रही है और कश्मीर जो है पीस की तरफ डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और इसको देख के कहीं ना कहीं वो छटपटा रहे हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। एक अच्छा खासा माहौल जो है आज श्रीनगर में है और हर तरफ जो है तिरंगे ही तिरंगे जो है वो आज कश्मीर में आपको देखने को मिलेंगे। हर व्यक्ति कश्मीर का जो है वो भारतवासी है और देश के साथ जो है अपने कदम से कदम मिला के चल रहा है, परंतु इस तरह की घटनाएं करके देश का जो मनोबल गिराने की जो कोशिश की जा रही है ये उसकी कभी भी पाकिस्तान की एक जो कोशिश है कामयाब नहीं होगी। जय हिंद जय भारत पाकिस्तान कल एक बार फिर से टारगेट क्लिक का सिलसिला एक बार फिर से जारी हो रहा है पंडित की हत्या की पाकिस्तान की तरफ से एक और कायराना हरकत जो टारगेट किलिंग उन्होंने हमारी संजय भाई की है बहुत ही निंदनीय है। हम जो एक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आपने देखा होगा बलिभांति मीडिया बंधु परिचित हैं कि कैसे उनकी मान में जाकर उनको परास्त करके आते हैं, लेकिन ये जो इक्का दुक्का जो इंसिडेंट्स वो आए दिन करते आ रहे हैं हम इसकी बहुत ही कंडेम करते हैं और पाकिस्तान को ये बहुत ही कड़े शब्दों में हम चेताना चाहते हैं कि ऐसे अगर इंसिडेंट्स उन्होंने लगातार अगर करते रहे तो हमारा भारतवर्ष खुद में सक्षम है, हमारी जो फौजें हैं खुद में सक्षम है, वो जानती हैं कि इसका बदला हम कैसे ले सकते हैं। जो कटोरा हाथ में लेकर पाकिस्तान घर घर जाकर भीख मांग रहा है आतंकवादियों के ऊपर, ये पैसा गरक ना करते हुए अपने देश को विकसित और अपने लोगों को खाना मुहैया कराए यही उसके लिए काफ़ी रहेगा। मैं पुनः कड़े शब्दों में इस जो निंदनीय जो कायराना हरकत की है उसकी कंडेम करती हूँ और यही चेताना चाहते हैं कि पाकिस्तान होश में आओ, भारत अपनी सक्षमता खुद पहचान कर इसका बदला लेना अवश्य जानता है।
मैम, एक तरफ जम्मू कश्मीर प्रशासन ये दावा कर रहा है कि कश्मीर में हालात बिल्कुल सामान्य हो चुके हैं, लेकिन इफ्तारगढ़ किले का सिलसिला लगातार जारी है। क्या लगता है जम्मू कश्मीर प्रशासन कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पा रहा कश्मीर में? मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप भी मीडिया बंधु बलिबंधी परिचित हैं, पिछले जो हमारे साल रहे हैं वो कैसे कठिन परिस्थितियों में हमारा आतंकवाद श्रीनगर में पनपा था, लेकिन आज हमारी परिस्थिति जो हमारे नौजवान हैं उनके हाथों से पत्थर हटाकर कलम देना, उनको स्टेडियम में खेल कूदों की तरह प्रदर्शित करना, उनको जीवन यापन के साधन प्रदान करना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, ये भारतवर्ष का लक्ष्य है, ताकि आतंकवाद से हटाकर हमारी युवा शक्ति को अपने जीवन यापन के लक्ष्य की ओर लेकर एक विकसित भारत का जो सपना साकार करने का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है उसको साकारित करते हुए कश्मीर को मुख्य धारा में लाते हुए एक विकसित राज्य के केंद्र शासित प्रदेश बनाना, इसी के ओर लक्षित कर रहे हैं। जो किलिंग हो रही है इसकी जिम्मेवारी तो किसने किसी को तो लेनी पड़ेगी ना। टारगेट के लिए इक्का दुक्का जो अपनी एक्जिस्टेंस मिलता है हमें समय दर समय। देखिए जो आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है, जो हमारे संजय शर्मा जी का वहाँ एक बुरी तरह से उनको गोलियों से शल्ली किया गया, उनकी छाती पर गोलियां मारी गई, जो 100 किलोमीटर घर से बाहर निकले और उनको अपनी पत्नी के साथ वो बाजार में सामान खरीदने जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू जिन्होंने कायराना हरकत की है, वो मिलिटेंटों ने जो आतंकवाद वहाँ फैला के रखा है, मैं कहता हूँ ये शर्मनाक बात है। ऐसे लोगों को बाहर जाना चाहिए और पाकिस्तान को भी इन हरकतों से बाहर जाना चाहिए। पाकिस्तान की जो हालत है उसके घर में खाने को राशन नहीं है, उनको बोलो जो पैसा इन लोगों के ऊपर खर्चता है, इन मिलिटेंटों के ऊपर खर्चता है, वो वहाँ के गरीब लोगों को राशन के लिए पैसा दे, क्योंकि उनकी हालत पतला है, वो कहीं मरने की किदार में खड़ा हुआ है। और मैं चेतावनी देता हूँ जम्मू कश्मीर की तरफ, भारत सरकार, भारत हमारे पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, कि अगर ऐसी हरकतें करते रहे हिंदुस्तान का हर नौजवान कश्मीर पहुंचेगा और ऐसे आतंकवादियों को बिल से निकाल कर उनको कुत्ते की मौत मारा जाएगा। ये उनको ध्यान में रहे, वो दिन नहीं अब रहे कि पाकिस्तान के ये भाड़े के टट्टू हमारे हिंदुओं को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को मौत के घाट उतारेंगे। उनकी हालत ऐसी होगी कि हमारा हिंदुस्तान का एक एक नौजवान, एक एक व्यक्ति कश्मीर में जाकर उनका हालत पतली करेगा, उनको बिल से निकाल कर चूहे की मौत मारा जाएगा। और मैं साथ में ये भी कहूँगा कि वहाँ के जो लोग जो किसी मजबूरी में ही सही इन लोगों का साथ देते हैं, वो साथ देना बंद करें और सरकार का सपोर्ट करें और उन लोगों की सपोर्ट करें जो निहत्थे मारे जा रहे हैं, और उनके साथ मिलकर ऐसे लोगों को नकाबपोश करें, इनको नंगा करें और इनको सबक सिखाएं, नहीं तो उन लोगों का भी अंजाम उसी प्रकार होगा जिस पर मिलिटेंटी का होता है। जय हिंद, जय भारत, पाकिस्तान।